देखिए, एलिजाबेथन एज हम लोग पढ़े थे और उसमें हम लोगों ने बेसिकली क्या देखा था, 1558 से 1609 का टाइम, जब जो है ये क्वीन एलिजाबेथ बनती हैं, वहाँ की क्वीन, ठीक है। और इनके टाइम को किस किस नाम से जानते हैं, गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जानते हैं, इंग्लैंड इस टाइम में सिंगिंग बर्ड कहा जाता था, नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड, ठीक। एंड दूसरी बात कि ओरिजिन ऑफ, यहाँ पर आर्टिस्टिक ड्रामा है, ठीक, आर्टिस्टिक ड्रामा का ओरिजिन है। और यूनिवर्सिटी विट्स यहाँ पर आते हैं, विलियम शेक्सपियर एक मेजर पिलर के रूप में है, एडमंड स्पेंसर है, फिलिप सिडनी है, ठीक। ये इतनी बातें हम लोगों ने यहाँ पर देख ली थी, ठीक है। कुछ थोड़ा सा मेजर इवेंट्स देखते हैं, मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स की बात करते हैं, ठीक है। तो एक जो सबसे मेजर डेट आपको मिली थी वो थी 1558, 1558, ठीक है। ये 1558 क्या था, ये था क्वीन एलिजाबेथ केम टू द थ्रोन। ठीक है, रानी क्वीन बनती है वहां की। एंड नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट इवेंट्स में जो है यहां पर देखें तो बुक ऑफ कॉमन प्रेयर्स आती है, ठीक है। अच्छा, बुक ऑफ कॉमन प्रेयर्स जो है इनसे पहले की 49 की है, फिर भी आप लिख लें, ठीक है। 1549 बुक ऑफ कॉमन प्रेयर्स, ठीक है। और यहीं पर जो है फर्स्ट कॉमेडी आती है, ठीक है। फर्स्ट कॉमेडी कब आती है, 1553 में, ठीक ना, 1553 में जो है क्या आती है, फर्स्ट कॉमेडी, सॉरी। और इसका जो नाम है वो है राल्फ रॉयस्टर डेस्टर, राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, ठीक है। राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर फर्स्ट कॉमेडी जो है यहाँ सामने आती है। तो यहीं पर एक जो है सेकंड कॉमेडी भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका जो टाइम है वो कहीं लगभग 1560 के आसपास है, ठीक। ये टाइम जो है एकदम श्योर टाइम नहीं है, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टाइम है, ठीक है। और ये है गैमर गर्टन्स नीजल, क्या है, गैमर ठीक है। अच्छा, राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर का राइटर भी आपको याद रखना है, निकोलस यूडाल, ठीक है। निकोलस यूडाल गैमर गर्टन्स नीडल, इसका राइटर जो है अननोन है, राइटर की आइडेंटिटी श्योर नहीं है। फर्स्ट ट्रेजेडी भी यहां याद रखना है आपको, फर्स्ट ट्रेजेडी कौन सी है, गार्बोडक, ठीक। इसी को दूसरा टाइटल क्या कहते हैं, ट्रेजेडी ऑफ ऑफ पेरिक्स एंड पोरिक्स, एंड पोरिक्स उल्टा में लिख रहा हूं, फेरिक्स एंड पोरिक्स है, फेरिक्स एंड पोरिक्स, ठीक है। इसी को जो है दूसरा टाइटल ये भी दिया जाता है। और ये दो ब्रदर्स हैं, इन्हीं की
ट्रेजडी है, इसका जो राइटर है, राइटर भी आपको विशेष रूप से याद रखना चाहिए, दो राइटर्स हैं ठीक, नार्टन और सैकविले, थॉमस नार्टन ठीक एंड सैकविले। ठीक है, नॉर्टन एंड सैकविले की ये फर्स्ट ट्रेजडी है, क्लियर। और नेक्स्ट इवेंट की बात करते हैं तो 1588, ठीक ना, 1588 ये भी याद रखने वाला इवेंट है, क्या हुआ था इसमें, इन्वेशन ऑफ स्पेनिश आर्मेडा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट इवेंट था, इससे जो है क्वीन एलिजाबेथ की जो है इंपॉर्टेंस इंग्लैंड में बढ़ गई थी, एक्सेप्टेंस बढ़ गई थी। ठीक है, और अगला एक इवेंट आता है 1576, थोड़ा हम लोग पेज को चेंज कर लेते हैं, 1576 1576 में क्या था, 1576 में फर्स्ट थिएटर, फर्स्ट थिएटर या कहिए फर्स्ट प्राइवेट थिएटर, ठीक ना, फर्स्ट प्राइवेट थिएटर किसने फाउंड किया था, फाउंडेड बाय जेम्स बर्बेज, ठीक है, जेम्स बर्बेज ने फर्स्ट जो है यहां पर थिएटर फाउंड किया। ठीक, नेक्स्ट ईयर क्या होता है, 1577 जो है हॉलैंड सेट्स क्रॉनिकल, ठीक है, पब्लिश होता है, ठीक है, ये ट्रांसलेटेड वर्जन है और ये जो है बिगेस्ट सोर्स फॉर द प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर। ठीक है, विलियम शेक्सपियर के प्लेज का ये बिगेस्ट सोर्स है। ठीक, एंड आफ्टर टू इयर्स 1579 यहां पर पब्लिश होता है फिलिप सिडनी का आर्केडिया, पब्लिश्ड क्या, आर्केडिया एंड डिफेंस ऑफ पोएसी, ऑफ पोएसी, ठीक है, डिफेंस ऑफ पोएसी एंड आर्केडिया, दोनों किसके द्वारा है, By फिलिप सिडनी। ठीक है, फिलिप सिडनी, शॉर्ट में हमने लिखा है, आप पूरा कर सकते हैं। ठीक, एक बड़ा और इंपॉर्टेंट प्ले है जो पब्लिश हुआ था 1586 में, पब्लिश क्या हुआ था, ये परफॉर्म हुआ था 1586 में, ठीक है, स्पेनिश ट्रेजडी, स्पेनिश ट्रेजडी किसने लिखा है, थॉमस किड ने, बाय थॉमस किड। ठीक है, इसको याद रखिएगा, स्पेनिश ट्रेजडी किसका एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ
रिवेंज ट्रेजेडी, ठीक है, ये भी इसी का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, हाँ, एक और बड़ा इवेंट है 1599 का, ग्लोब थिएटर। ओपन, ठीक है, ग्लोब थिएटर ओपन हुआ था। इसके विषय में एक बात याद रखना है कि पार्ट ओनरशिप टू विलियम शेक्सपियर। ठीक ना, विलियम शेक्सपियर की जो है पार्ट ओनरशिप में ये था ग्लोब थिएटर। ठीक है, और ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। और एक जो बड़ा इवेंट है स्पेशली इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, वो है फाउंडेशन ऑफ ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया कंपनी। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का फाउंडेशन कब होता है? 1600 में, ठीक, और इसके 3 साल के बाद, कब? 1603, ठीक, क्वीन एलिजाबेथ डाइड, ठीक ना, ये निपट जाती है। क्लियर, इतनी जो है मेन मेन बातें थी इस एलिजाबेथन पीरियड की, जो कि हम कंसीडर कर सकते हैं कि एज हैपनिंग्स, एज स्पेशल इवेंट्स और एज हिस्टोरिकल इवेंट्स। ठीक है, जिनको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो हम क्लास करा रहे हैं रिवीजन क्लास, ये नेट के लिए तो आपको काम करेगी ही, साथ में भी यूपी में जो वो एक आया हुआ है क्या, जूनियर की वैकेंसी, अगर जूनियर में आप इंग्लिश से दे रहे हैं तो वहां पर सिलेबस में एक लाइन मेंशन है पूरे सिलेबस में इंग्लिश के, कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वहां दी गई है, तो ये जो है ये आपका इसके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, आप इस जो जूनियर की वैकेंसी है उसके लिए जो सब 100 क्वेश्चन आने हैं या 50 कुछ आने हैं ऐसे, ठीक है, जो सब्जेक्ट के आने हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के, आधे क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे, ये बात आपको मान के चलना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे, और अगली चीज जो आपको याद रखनी है इम्पोर्टेंट, वो है सॉनेट सीक्वेंसेस। अभी पहले हमने बताया था कि यहाँ पर इंग्लिश जो है, इंग्लैंड, इंग्लैंड वॉज कॉल्ड नेस्ट ऑफ, ठीक है, सिंगिंग बर्ड्स, बिकॉज कि यहाँ पर लिरिक पोएट्री का जो है खूब डेवलपमेंट हुआ था, और लिरिक पोएट्री में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सॉनेट था। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सॉनेट। ठीक है, इसी दौरान सॉनेट का डेवलपमेंट हुआ था। सॉनेट के लिए आपको कुछ बातें याद रखनी चाहिए। सॉनेट के लिए तो सॉनेट कहाँ से आया? कम फ्रॉम इटली। ठीक है, और इटली में इसके मेन राइटर कौन थे? पेट्रार्क। ठीक है, इटली में इसका जो मेन राइटर था वो था पेट्रार्क। ठीक है, इसके नाम पे पेट्रार्कन सॉनेट, और इसको इटालियन सॉनेट या क्लासिकल सॉनेट कहते हैं। और वहां पर इसका जो फॉर्म था वो था 4+4 3+3, ठीक है, 2 क्वार्टेंस एंड 2 टर्सेट्स, ठीक है, ऑक्टेव सिस्टम, ये फॉर्म वहां पर था। और बाद में इसको इंग्लैंड में आया तो वहां पर एक दूसरा फॉर्म बन गया इसका। ठीक है, इंग्लैंड में क्या बन गया? इंग्लिश सॉनेट, इंग्लिश सॉनेट। और इसका जो फॉर्म था 4+4+4+2, ठीक है,
ये इसका सॉनेट था, और इसको लाने का जो श्रेय जाता है दो लोगों को, हेनरी हावर्ड, ठीक है, हेनरी हावर्ड को, और जो है दूसरे थे टॉमस यार्ट, ठीक ना, इनको अर्ल ऑफ सरे भी कहते हैं, अर्ल ऑफ सरे, ठीक। वॉइस नहीं आ रही है नीरज, आपको नहीं आ रही है, ठीक है। हम लोग बात कर रहे थे कि जो है दो प्रकार के सॉनेट हो गए, इंग्लिश सॉनेट हो गए, इटालियन सॉनेट हो गए, पेट्रार्क वहां थे, और यहाँ पर इंग्लैंड में इसको लाने का जो श्रेय है किसको, हेनरी हावर्ड को जाता है। इन्हीं का नाम जो है क्या कहा जाता है, अर्ल ऑफ सरे इन्हीं को कहा जाता है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा टॉमस यार्ट है, और इन्हीं का जो कलेक्शन है उसको कहते हैं टर्टल्स मिसेलनी। ये दो मेजर जो है कंट्रीब्यूटर थे, और एक तीसरा जो मेजर कंट्रीब्यूटर था वो था निकोलस क्रिमर। इसके बाद के जो बाकी कंट्रीब्यूटर्स थे वो जो है छोटे छोटे कंट्रीब्यूटर्स थे, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, तो यहां पर हम लोग लिखने वाले हैं सॉनेट सीक्वेंसेस, सॉनेट सीक्वेंसेस, ठीक है। सॉनेट सीक्वेंसेस आपको एग्जाम में क्रोनोलॉजिकली जनरली पूछता है, ठीक है, तो इसलिए आपको क्रोनोलॉजिकली ही याद रखना चाहिए। सबसे पहला लिखिएगा एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, एंड स्टेला, ठीक है। कब पब्लिश हुआ था, 82-83 में, 1582-83, ठीक है। ये पहला है, और किसने किया, बाय फिलिप सिडनी, ठीक है, फिलिप सिडनी का है, फर्स्ट है। और सेकंड जो है अच्छा सर, ये जो है ये राइटिंग का ईयर है, ये राइटिंग का ईयर है, ठीक ना, और पब्लिश हुआ था, पब्लिश्ड 1591, ठीक ना, पब्लिकेशन जो है 1591 का है। दूसरा लिखिएगा डेलिया, नंबर टू डेलिया है, पब्लिकेशन सेकेंड ईयर है, 1592 है, ठीक, किसका है, ये है सैमुअल डेनियल का, ठीक है। थर्ड लिखिएगा फिलिस है, PHILLIS, फिलिस, नेक्स्ट ईयर 1593, टॉमस लार्ज का है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नंबर फोर डायना, डायना पब्लिकेशन 1594 है, ठीक है, और किसका है, बाई कांस्टेबल, ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा नंबर फाइव सीलिया 1594, ठीक, ये विलियम पर्सी का है, ठीक। एमोरिटी ये इंपॉर्टेंट है,
अमोरिटी ये 1595 का है, 1595 इम्पोर्टेंट राइटर है, ठीक है, एडमंड स्पेंसर। ठीक है, एडमंड स्पेंसर। और ये जो नेक्स्ट वाला है ये और ज्यादा इम्पोर्टेंट है, नंबर 7, ये है सॉनेट्स बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर, ठीक है, इसका जो पब्लिकेशन है 1609 है, संख्या जो है वो है 154, ठीक, जिसमें से आपको याद रखना है 126 टू मिस्टर डब्ल्यू एच, 26 टू मिस जो है डार्क लेडी, ठीक है, और 2 जो है आपको याद रखना है किसका, राइवल पोइट, 2 है राइवल पोइट, ठीक है। अच्छा, यहाँ डार्क लेडी से याद रखिएगा, द डार्क लेडी ऑफ द सॉनेट्स, ऑफ द सॉनेट्स, ठीक है, ये क्या है, प्ले है, ठीक, बाय जी.बी. शॉ, ठीक ना, ये भी याद रखना जरूरी है, ये सॉनेट सीक्वेंसेस हैं, इनको याद रखना बहुत जरूरी है, इनसे क्वेश्चन खूब बनता है, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो आपको पढ़ना होता है एडमंड स्पेंसर, एडमंड स्पेंसर का लाइफ और बर्थ जो है, बर्थ और डेथ भी याद रखना है, 1592 1599, सॉरी 1552, मैंने 92 कह दिया, 1552 और 1599, ठीक है, ये जो है एडमंड स्पेंसर का बर्थ ईयर हो गया। और इनके वर्क्स में जो आपको याद रखना है, वर्क्स में आपको अमोरिटी, ठीक है, सॉरी गलत है, ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है द फेरी क्वीन, द फेरी क्वीन, ठीक है, तीसरा आपको याद रखना है द सेफर्ड्स कैलेंडर, ठीक है, बेसिक बेसिक डिटेल की हम लोग बात करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक ना, क्योंकि रिवीजन है तो शॉर्ट में ही हम चीजों को कर रहे हैं, जिससे आपको एक आइडिया बनता जाए, बाकी तो आपके नोट्स में डिटेल में है, वहां से आप पढ़ लेंगे, ठीक। फेरी क्वीन के विषय में दो तीन चीजें याद रखनी है, ठीक है, ये जो है इनकम्प्लीट है, ठीक, 3 पब्लिकेशंस हैं, फर्स्ट पब्लिकेशन था 1590, दूसरा था 1596 और तीसरा था 1609। यहाँ पर फर्स्ट 3 बुक्स, ठीक ना, 3 बुक्स यहाँ पर, सिक्स जो है नेक्स्ट सिक्स 3 बुक्स, ठीक है, नेक्स्ट 3 बुक्स यहाँ पर जो है
सिक्स एंड हाफ बुक्स, मतलब सेवेंथ इनकम्प्लीट। ठीक है, तो ये जो पब्लिकेशन है। दूसरी चीज, हर एक बुक में जो है इसमें कौन आता है, एक अलग नाइट आता है जो एक पर्टिकुलर वर्च्यू को रिप्रेजेंट करता है। इसका जो आइडिया है और हीरो है कहाँ से आता है, अर्थरियन साइकिल से आता है। हीरो जो है किंग अर्थर है, ठीक है, और जो नाइट्स हैं कहाँ से लिए गए हैं, अर्थेरियन साइकिल से लिए गए हैं। ठीक, किस बुक में कौन सा नाइट आता है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है, और कौन सा नाइट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो अच्छा, जरा से फिलिप सिडनी का जो आपको याद रखना चाहिए, फिलिप सिडनी का आर्केडिया आप नोट कर लीजिए, मैंने नहीं लिखा। तो फिलिप सिडनी का आर्केडिया और एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, ये दो वर्क जो है आपको जरूर याद रखना है। ठीक, और डिफेंस ऑफ पोएजी भी। और नेक्स्ट राइटर आते हैं यहाँ पे, वॉल्टर रेले आते हैं, हम लोग उनको जो है स्किप करके आगे बढ़ेंगे। और फिर अगली जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो यहाँ आती है, डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा। और डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा में ड्रामा कहाँ से शुरू होता है, शुरुआत होती है इनकी मिस्ट्री प्ले। या इसको सीधे से आप कहें कि रिलीजियस ड्रामा, रिलीजियस ड्रामा से बिगिन होता है और कहाँ तक जाता है, आर्टिस्टिक ड्रामा तक। आर्टिस्टिक ड्रामा तक जाता है। रिलीजियस ड्रामा में आपको मिलते हैं मेरेकल प्लेस और मिस्ट्री प्लेस। ठीक है, पहला क्या मिलता है, मिस्ट्री प्लेस, और दूसरा आपको मिलता है मेरेकल प्लेस। और इन दोनों के बीच की कड़ी जो मिलती है उसको कहते हैं मोरालिटी प्लेस। ठीक ना, क्योंकि इन दोनों में कॉमन मैन को एक्सेस नहीं था। ठीक है, यहीं पे लिख लो, नो एक्सेस टू कॉमन मैन। ठीक है, ये मोरालिटी प्ले है, इसके बीच में आता है मोरालिटी प्ले जो है, इसमें कॉमन मैन को एक्सेस मिलता है, एक्सेस टू कॉमन मैन। ठीक है, यहाँ पर कॉमन मैन को एक्सेस मिलता है और आर्टिस्टिक ड्रामा आता है। और इस आर्टिस्टिक ड्रामा में आते हैं कौन, यूनिवर्सिटी विट्स। ठीक, यूनिवर्सिटी विट्स में संख्या कितनी है इनकी, संख्या इनकी सेवन है। ठीक है, संख्या सेवन है। और ये सारे के सारे किन किन यूनिवर्सिटीज से हैं, ठीक, ये जो इसमें से तीन जो है ऑक्सफोर्ड के हैं और तीन कैम्ब्रिज के हैं, स्कॉलर्स हैं। इनका काम ये था कि ये प्ले को लिखते थे, परफॉर्म करते थे, और आर्टिस्टिक ड्रामा के डेवलपमेंट में इनका बड़ा रोल है। और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट जो फादर फिगर यूनिवर्सिटी विट कहा जा सकता है, वो मार्लो को कहा जा सकता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें राइटर है वो है मार्लो। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि इसका राइटर्स का नाम क्या क्या है। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं। तो राइटर के नाम में आपको जो है एक, अच्छा यहां पे मैंने एक छोड़ दिया, एक इंटरल्यूड भी आता है। ठीक ना, इंटरल्यूड, ठीक, इंटरल्यूड में आपको एक याद रखना है, फोर पीस, फोर पीज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं। ठीक है, फोर पीज, फोर पीज में जो फोर पीज हैं वो कौन कौन है, उनको उनका नाम भी आपको याद होना चाहिए। ठीक ना, पेडलर, पामर, पार्डनर, ठीक है, एंड पोथिकेरी। ठीक, ये जो है चार पी, चार कैरेक्टर हैं जिनके नाम किससे शुरू होते हैं, पी से। दैट्स व्हाई
इस इंटरल्यूड को ही कहा जाता है फोर पीस। इसमें एक जो है जज है, बाकी के तीन कैरेक्टर्स हैं। ठीक। अच्छा, यूनिवर्सिटी विट्स में हम लोग फिर से बात करते थे कि ये सात हैं। सात कौन कौन हैं? सिंपली आपको याद रखना चाहिए, ग्रीन, पीले, ठीक है, लिली, LILY, ठीक है, किड, नैश और लार्ज, ठीक है। और इनमें सबसे लास्ट में कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट मार्लो, मतलब टॉमस ग्रीन, जॉर्ज पीले, जॉर्ज लिली, जॉन लिली, ठीक है, एंड टॉमस किड, टॉमस नेस एंड टॉमस लॉच और मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो। ये सेवन है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये टर्म जो है, टर्म कॉइन किया, यहीं पर लिख लीजिए, कॉइन बाई जॉर्ज, ये हम कलर बदल करके लिखते रहे, जॉर्ज। देखिए समय इसी पर खत्म होगा, नया सेशन भी हम लोग ज्वाइन करेंगे। जॉर्ज सेंसबरी, ठीक है, यहीं पर सेशन आपका ये खत्म होगा, आप लोग तुरंत फिर से ज्वाइन करेंगे।